जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इस पर चलने वाले तूफानों का साइज सभी सियारों से ज्यादा है। साइज में बड़ा होने की वजह से इसके अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था उसके कुछ लाख सालों बाद जुपिटर भी बन गया था। ये हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला पहला सियारा है जो एक गैस जॉइंट है। जिस तरह हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, उसी तरह जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। साइंसदान इसे फेड स्टार भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा रह गया। अगर इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता तो ये सूरज की तरह एक स्टार होता, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 जमीनें आसानी से आ जाएंगी। जुपिटर सूरज से 77 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 12 सालों में कंप्लीट करता है। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि सूरज से इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इसे एक ठंडा सियारा होना चाहिए था, लेकिन ये सूरज से जितनी हरारत जज़ब करता है उससे कई गुना ज्यादा हरारत स्पेस में खारिज भी करता है। यानी ये सूरज की तरह रेडिएशंस बनाता है और इसे खारिज करता है, जिसकी वजह से ये हर साल 2 सेंटीमीटर तक सिकुड़ता है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक जुपिटर माजी में आज के मुकाबले में 2 गुना बड़ा था और इसका एक दिन सिर्फ और सिर्फ 10 घंटों का है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से घूमता है, जिसकी वजह से इसका एक दिन 10 घंटों का है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है जिसके पास 82 मून्स हैं, जिसके पास जुपिटर आता है जिसके पास 69 मून्स हैं। इन सभी चांदों में से 4 ऐसे चांद हैं जो इस सियारे के गिर्द प्लैनेट्स की तरह ऑर्बिट करते हैं, और जब इन्हें दूर से देखा जाए तो ये एक सोलर सिस्टम की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से साइंसदान इसको मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है, जो सोलर सिस्टम के पहले सियारे मरकरी से साइज में पड़ा है, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद भी यही है। 5 अगस्त 2011 को नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर भेजा था, जो 5 सालों बाद जुपिटर पर पहुंचा, जिसका नाम जूनो था। ये अब तक का जुपिटर पर भेजा गया सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन इससे पहले 1989 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर भेजा गया था, जिसमें एक लैंडर भी लगा हुआ था। जब यह जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो जुपिटर की ग्रेविटी ने इसे अपने अंदर दाखिल नहीं होने दिया और ये एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जुपिटर अपने एक्सिस पर बहुत ज्यादा रफ्तार से रोटेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। जब आप जुपिटर को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे स्पॉट नजर आएंगे। असल में ये सभी स्पॉट जुपिटर पर आने वाले तूफान हैं और इनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इन सभी स्पॉट में से ये स्पॉट सबसे बड़ा है, जिसे रेड जायंट स्पॉट कहा जाता है। ये जुपिटर पर आने वाला सबसे बड़ा तूफान है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी जमीन आसानी से आ जाएगी। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक ये तूफान 350 सालों से मुसलसल चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतने सालों से ये तूफान आखिर कैसे चल रहा है। एक स्टडी के मुताबिक ये तूफान अपने आसपास मौजूद हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये तूफान चलता रहता है, लेकिन अगर इसे आसपास से हवाएं मिलना बंद हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा तूफान चलना बंद हो जाएगा। 1995 में इस तस्वीर में ये तूफान साफ दिखाई दे रहा है। 2009 में इस तूफान का साइज छोटा हो गया है और 2014 में ये तूफान और भी छोटा हो गया है। यानी इस तूफान का साइज वक्त के साथ साथ छोटा हो रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह तूफान खत्म हो जाएगा। इस तूफान के अलावा भी जुपिटर पर कई और तूफान मौजूद हैं। इस वाइट स्पॉट को देखें, ये भी एक बहुत बड़ा तूफान है। इस तूफान को ओवल बीए का नाम दिया गया है। ये तूफान वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और इसका रंग भी व्हाइट से रेड हो रहा है। इसके अलावा 2017 में साइंसदानों ने एक और बहुत बड़ा तूफान दरियाफ्त किया था, जिसका नाम ग्रेट कोल्ड स्पॉट है। ये तूफान 15,000 मील लंबा और 7,500 मील चौड़ा है। साइंसदानों को इसके एटमॉस्फेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे देखकर साइंसदानों का दिमाग चकरा गया। जब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब से गुजर रहा था
तब साइंसदानों ने नोटिस किया कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक बिजली गरज रही है। साइंसदानों का ख्याल था कि हो सकता है कि यहाँ के माहौल में हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन गैस भी मौजूद हो। जब ये बिजली एटमॉस्फेयर को छूती है तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये प्रेशर मीथेन के एटमॉस्फेयर पर पड़ता है तो मीथेन गैस कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहाँ होती है डायमंड की बारिश और ये डायमंड बहुत तेजी के साथ जुपिटर की सरफेस में गिरने लगते हैं। जब ये डायमंड नीचे जाते हैं तो इन पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है जिसकी वजह से ये डायमंड पिघल कर लिक्विड बन जाते हैं और इस लिक्विड की बारिश से बनता है एक बहुत बड़ा डायमंड का ओशियन जिसकी कोर लिक्विड और मेटेलिक हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। इस कोर की वजह से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। साइज के बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से जुपिटर की ये मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों से बहुत ज्यादा है और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे स्मिट के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। अगर जमीन पर मौजूद किसी चीज का वजन 100 किलोग्राम हो तो ये वजन जुपिटर पर 240 किलोग्राम होगा। इसी ग्रेविटी की वजह से जुपिटर बहुत सारे एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से कोई भी एस्टेरॉयड हमारी जमीन की तरफ नहीं आ पाता। यानी ये हमारा बॉडीगार्ड भी है। अगर जुपिटर ना होता तो बहुत सारे एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराते जिसकी वजह से हमारी जमीन कब की खत्म हो चुकी होती और हम इंसानों का इस पर नामोनिशान ना होता। ये अल्लाह की कुदरत है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।